खबर छत्तीसगढ़ के दुर्ग से है, जहां उतई थाना पुलिस ने पूर्व सैनिक पर हमले के आरोपी पूर्व पार्षद संजू साहू को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने घटना प्रयुक्त चाकू बरामद की है। वहीं पुलिस ने एक बाइक कुछ दिन पहले दशहरा उत्सव आयोजन की बैठक के दौरान आरोपी पूर्व पार्षद ने पूर्व सैनिक पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमला कर घायल कर दिया था, जिसके बाद घायल पूर्व सैनिक ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। वहीं ग्राम डोंडेरा में दशहरा उत्सव आयोजन को लेकर बैठक आयोजित की गई थी, जहां बैठक में पूर्व पार्षद और पूर्व सैनिक के बीच विवाद हुआ था और पूर्व पार्षद ने आवेश में आकर धारदार चाकू से पूर्व सैनिक के ऊपर हमला कर दिया और फरार हो गया। वहीं घटना के बाद घायल पूर्व सैनिक को इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं उतई पुलिस को मारपीट की जानकारी दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी की तलाश के लिए टीम बनाकर जांच की और पुलिस ने रायपुर से आरोपी को गिरफ्तार किया। थाना उतई को सूचना प्राप्त हुआ कि डुंडेरा में संजू सरदार के द्वारा गांव के ही टीकम साहू को चाकू से हमला किया गया है, जिसमें वो घायल हो गया है, जिसके इलाज के लिए उसे सेक्टर 9 अस्पताल भेजा गया है। तत्काल मौके पर एक टीम बनाकर रवाना किया गया और साथ ही एक विवेचक की टीम बनाकर सेक्टर 9 अस्पताल भेजा गया था, जहां प्रार्थी से घटना के संबंध में पूछताछ कर मौके पर FIR दर्ज किया गया था। घटना स्थल पर रवाना हुई टीम के द्वारा बताया गया कि आरोपी संजू घटना को अंजाम देकर अपने साथी चोवा के साथ बाइक में भाग गया है।